विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्मस्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्मस्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि पल्ले आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और पल्ले के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। आज हम विस्तार से काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और उनकी कथा सुनेंगे। दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नदी काशी में स्थित है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उनके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भव सागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, जब ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति का स्थान है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और विषु में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग से संबद्ध ये कथा बताई गई है, भगवान शंकर जी पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योग क्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे भक्त उनके परम धाम के अधिकारी बन जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है।